हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, तो अभी पिछले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में मैंने आपको फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम के बारे में बताया था। पहला नियम थोड़ा बहुत किया था हमने, ज्यादा नहीं करा। उसके बारे में कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बताऊंगा। तो अभी अपना सेल और बैटरी का टॉपिक चल रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आराम से निकलते हैं बच्चों के, ठीक है। अगर 100 नंबर का पेपर आता है टेक्निकल का, तो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन आराम से निकलते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है, और चीजें कुछ इसमें रट्टा मारने वाली भी है। लेकिन हम वो चीजें रट्टा से याद नहीं करेंगे, हम जिस चीज को याद करेंगे वो करेंगे एक ट्रिक से। रट्टा मारने वाली चीज कौन सी होती है? सेलों का नाम पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा सेल है और ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि क्या कुछ चीज है। तो ये चीजें जो है वो रट्टा मारने वाली है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक से। तो आ जाओ सारे बच्चे जितने भी हैं लाइव सेशन में। हाँ बोले खोलिए सर। चलिए तो करें स्टार्ट फिर। देखो, फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम के बारे में बात करेंगे। तो माइकल फेराडे ने विद्युत अपघटन के लिए दो नियम दिए थे। एक तो जिसको बोलते हैं हमने पहला नियम, जिसको मैंने लिख रखा है यहाँ पे फर्स्ट लॉ, और दूसरा दिया था उसने सेकेंड लॉ। सर 90 नंबर का पेपर आएगा, बिल्कुल 90 का आएगा। उसमें 40 नंबर टेक्निकल का आता है, लेकिन एक वैकेंसी और भी है। जैसे अगर मैं बात करूं, सिर्फ 40 नंबर का टेक्निकल एक HSSC देती है, लेकिन इसके अलावा और जैसे यूपीपी से ला गया, जिसमें 4102 पोस्ट आने की संभावना है और यूपी में चुनाव है, जल्द ही आ जाएगी, और अदर स्टेट में भी जनरल में ही आप लोग काउंट हो गए, तो ये मौका भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और 4000 पोस्टें काफी अच्छी होती है, 1300 पोस्टों के मुकाबले 4000 पोस्टें बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, राजस्थान बिजली बोर्ड का फॉर्म इसी वीक स्टार्ट हो जाएगा, जहां तक मेरा मानना है, या इसी मंथ तो होने की संभावना ही बता रहे हैं कि सितंबर में जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे 100 क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, और वो 100 क्वेश्चन आपकी मेरिट बनाएंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबरों के होते हैं। चलिए, तो पहला नियम क्या बताया था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान। पहला नियम बोलता है, फेराडे नामक वैज्ञानिक ने जो दो नियम दिए थे उसमें एक नियम था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, उसमें बहने वाली धारा तथा समय के क्या होता है, समानुपाती होता है। एम इक्वल टू जेड आई टी। एम का मतलब मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी भी बच्चे ने, कि एम क्या होता है। तो एम क्या होता है? मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान। एम क्या कहलाता है? मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान। मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान। जड़ क्या कहलाता है? तो जड़ कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं आप? तो द्रव्यमान को व्यक्त करेंगे ग्राम में, याद रखना। द्रव्यमान को किस में व्यक्त करेंगे? मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किस में होगा? ये द्रव्यमान होगा ग्राम में, ठीक है। मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान ग्राम में। दूसरा क्या होता है? जड़। जड़ को क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसकी यूनिट किस में आएगी? हाँ जी, एम द्रव्यमान, ठीक है। एम द्रव्यमान होता है, बिल्कुल। तो रासायनिक तुल्यांक किस में होता है? ग्राम प्रति कुलाम में, ग्राम प्रति कुलाम। ये किस में होगा? ग्राम प्रति कुलाम में। आई किस में है? आई है करंट, यानी कि धारा। धारा का मान, धारा का मान किस में होता है? तो ये होता है एम्पियर में। धारा का मान किस में होता है? एम्पियर में। इसके बाद हम बात करते हैं टी। टी क्या होता है? समय। और समय किस चीज में? सेकंड में। समय किस में होता है? सेकंड में। जड बार उंदा होता है? नहीं नहीं बार बाहर तो दोस्त ये हो गया ना, द्रव्यमान। द्रव्यमान और बाहर दोनों एक ही चीज होती है, याद रखना। द्रव्यमान और बाहर दोनों एक ही चीज होती है वैसे तो, ठीक है। तो
तो M क्या है मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, Z क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I क्या है धारा का मान किसमें एम्पियर में, और T क्या है समय सेकंड में। Z को इंपीडेंस में भी कहते हैं, बिल्कुल Z को इंपीडेंस में भी कहते हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे आप थ्योरी कौन सी AC थ्योरी के अंदर, Z इंपीडेंस भी होता है। सही बात है तुम्हारी, चलिए तो ये चीज समझ आ गई तुम लोगों को, चलो आगे बढ़े। चलो डियर, तो पहला नियम क्या कहलाता है, M समानुपाती I T भी हो सकता है। पहला नियम क्या हो सकता है, M समानुपाती I T, ठीक है। जब मैं समानुपाती का सिंबल लगाऊंगा तो यहां पर मुझे क्या एक तुल्यांक देना पड़ेगा, जिसको मैंने किस नाम से दिया है, Z से, और Z क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पे भी इसके बात करेंगे अपन। चलिए रासायनिक तुल्यांक पे क्वेश्चन भी आता है, एक तो होता है रासायनिक तुल्यांक और एक होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलो आगे बढ़े, यहां तक चीज में कोई डाउट है तो बताओ आप लोग, फिर सेकंड नियम पे बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं दूसरे नियम के ऊपर, सेकंड लो फैराडे का, ठीक है। सेकंड लो क्या बोलता है फैराडे का दूसरा नियम, पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है, KTDT एप्लीकेशन पे ही आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ में ये सारे के सारी चीजें मिल जाएगी। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा विभिन्न विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान मेरा क्या कहलाएगा, दूसरा नियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान क्या कहलाता है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जब जब एक ही मान की विद्युत धारा को, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट लाइट में से प्रवाहित, इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित। सर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आएंगे बताऊंगा, अंकित कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ चले गए थे सर। अब भाई पानी पूनी पी के आते हैं यार, पानी पूनी पीने चले जाते हैं, बोलते बोलते मुंह दुखने लग जाता है, 4-5 घंटे बोलना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक, उसके रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इसको कैसे लिख सकते हो, M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2, या लिख सकते हो M3 समानुपाती W3, या लिख सकते हो M1 बटे W1
बराबर एम टू बटे डब्लू टू बराबर एम थ्री बटे डब्लू थ्री। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं बता देता हूं तुम्हें, इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा। सीधा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो तुम लोगों से, सीधा क्वेश्चन ऐसे देगा कि एम बराबर जेड आई टी फैराडे का कौन सा नियम है। दूसरा दे देगा एम वन समानुपाती डब्लू वन, एम टू समानुपाती डब्लू टू या एम थ्री समानुपाती डब्लू थ्री। डब्लू टू एम थ्री समानुपाती डब्लू थ्री, फैराडे का कौन सा नियम है ये चीज भी पूछ सकता है। तो ये क्या है, फैराडे का दूसरा नियम है। तो इसमें एक चीज और पूछ लेता है कि इस नियम में जेड क्या चीज है। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और रासायनिक तुल्यांक जैसे क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं रासायनिक तुल्यांक की, तो हाइड्रोजन का रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, 1.008 होता है। ये चीज वैसे अगर तुम्हें याद करनी पड़े तो तुम याद कर सकते हो, लेकिन ज्यादा ये पूछता नहीं है कभी भी। अगर रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा तुम लोगों से पूछ ले विद्युत रासायनिक की, तो बता पाओगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा बता पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूं, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश के साथ संयुक्त अथवा मुक्त होता है, मतलब एक कूलाम आवेश के साथ जुड़ता है या उससे अलग होता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। चलिए तो ये बनता है अपना विद्युत रासायनिक तुल्यांक पे क्वेश्चन, और सीधा का सीधा इसी फॉर्मूले से आता है, बाकी कहीं से नहीं आता। तो ये कौन सा है, प्रथम नियम आता है, और ये नियम मेरा कौन सा आता है, द्वितीय नियम आता है, द्वितीय रूल। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चलती है बड़ी, ठीक है, सेकंड रूल आ गया। चलिए आगे बढ़े, इस कंसेप्ट पे सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आता। अब रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक की अगर परिभाषा पूछ ले तो क्या बताओगे। चलिए अब रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा भी लिख लेते हैं कि भैया मेरा रासायनिक तुल्यांक क्या कहलाता है। रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो क्या क्या बोल सकते हैं, रासायनिक तुल्यांक इक्वल टू परमाणु भार बटे संयोजकता। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बताओ क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बताओ क्या होता है, यहां से एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मान लो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 है, और उसकी संयोजकता 2 है, तो उसका रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है तुम लोगों के लिए। अगर यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अगर माना ऑक्सीजन का परमाणु भार ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, या सीधा पूछ ले तुम लोगों से कि ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक कितना होगा। मान लो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और संयोजकता 2 है, संयोजकता 2 है, तो रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। दोनों चीजें अलग अलग है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग है और रासायनिक तुल्यांक अलग है, रासायनिक तुल्यांक क्या होगा।
तो सीधा क्या लिखोगे, परमाणु भार बटे में संयोजकता, परमाणु भार कितना है 16/2 यानी 8। तो रासायनिक तुल्यांक बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही तुम लोगों से चांदी का पूछ ले, चांदी का कितना होगा, तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, मान लो चांदी का रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, चांदी का रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तुल्यांक क्या होता है, क्या होता है भाई चांदी का रासायनिक तुल्यांक। देखो चांदी का जो परमाणु भार होता है वो होता है 108, और चांदी की जो संयोजकता होती है वो होती है 1। तो चांदी का परमाणु भार, चांदी का परमाणु भार कितना है 108, और चांदी की संयोजकता कितनी है, चांदी की संयोजकता कितनी है 1 है। तो रासायनिक तुल्यांक कितना होगा जल्दी निकाल के बता दो, रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। तो रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता यानी कि 108/1। तो कितना आ जाएगा रासायनिक तुल्यांक इसका, 108 आ गया। इस हिसाब से आप तांबे का भी निकाल सकते हो। तांबे का किसी को पता है तांबे का कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तांबे का रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। तांबे का रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, तांबे का रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। कोई भी बच्चा जिंदा हो सारे के सारे, क्यों लोग कमेंट नहीं कर रहे यार, तुम लोग क्यों नहीं बता रहे चीजें। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो बताओ, या तुम्हें ज्यादा समझ आ रहा है तो बताओ, कुछ तो हाथ पैर हिलाओ अपना, पता तो लगे मुझे कितने बच्चे जो है वो मुझे देख रहे हैं अच्छे से। ऐसे मजा नहीं आता यार जब तक तुम लोग आंसर नहीं देते। आंसर क्यों नहीं देते पता नहीं तुम। चलिए मैं बताता हूं तुम लोगों को क्या होता है इसका। तो क्या है, तांबे का रासायनिक तुल्यांक पूछा है, तांबे का परमाणु भार जो होता है वो होता है 63। तांबे का परमाणु भार, बुत बन के बैठे हो बिल्कुल, तांबे का परमाणु भार, तांबे का परमाणु भार कितना होता है 63 होता है। संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता होती है इसकी 2। अगर तुम लोगों को नहीं भी आता ना तो भी जवाब दिया करो यार, कम से कम जवाब तो दिया करो कि सर हमें आती है ये चीज या हमें नहीं आती। अगर तुम लोग ऐसे ना बताओ फिर मैं इतना ज्यादा डीपली जाने की कोशिश ही नहीं करूंगा। तुम लोगों के जवाब आएंगे तभी मैं डीपली जाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे जानने के इच्छुक है। तुम तो हो ही नहीं यार, ज्यादा का नहीं पूछते अंकित, तुम लोगों से ज्यादा का नहीं पूछते, सिर्फ गिने चुने का ही पूछते हैं। और गिने चुने का मैं करवा रहा हूं तुम्हें, चांदी का पूछ लेते हैं, तांबे का पूछ लेते हैं, ऑक्सीजन का पूछ लेते हैं, यही तीन चार चीजें हैं जिनके बारे में पूछते हैं, जिनके बारे में करवा रहा हूं तुम्हें। तो इसका कितना हो जाएगा, ज्यादा का तुम लोगों से पूछते ही नहीं, ये गिने चुने हैं तो उनको पता है तुम्हारे बारे में कि तुम लोग कितने पढ़े लिखे हो सकते हो। रटी रटाई चीज तुम्हें थाली में परोसा हुआ मिल रहा है, बस खाना है तुम्हें, खा तो सकते हो, क्या आ जाएगा। तो परमाणु भार कितना है, परमाणु भार बटे संयोजकता होती है, परमाणु भार बटे संयोजकता, याद रखना रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता होती है। परमाणु भार कितना दिया है यहाँ पे 63 दिया है, संयोजकता कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो 31.5, 31 × 62 होता है, ठीक है 31.5 कर दिया तो 63 हो गया। बस कुछ नहीं दे रखा, सिंपल सी चीज देते हैं, आप लगे रहो, मैं ही लगा रहा हूं, तुम लोग तो कुछ नहीं करोगे।
आप लोगों को कुछ नहीं करना। चलो एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, बिल्कुल सही बात है कि यदि 200 सेकंड समय में, एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, यदि 200 सेकंड समय में यदि 200 सेकंड समय में 200 सेकंड समय में 0.5 एम्पियर डीसी, 0.5 एम्पियर डीसी यानी डायरेक्ट करंट धारा के द्वारा वोल्ट मीटर में, डीसी धारा के द्वारा वोल्ट मीटर में, धारा के द्वारा वोल्ट मीटर में कैथोड पर 111.81 में, कैथोड पर 111.81 ग्राम चांदी एकत्रित होती है। एमजी लिखा है यहां पे मिलीग्राम, ये है मिलीग्राम, याद रखना मिलीग्राम चांदी एकत्रित होती है, मिलीग्राम चांदी एकत्रित होती है। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो, तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो। ठीक है, तुम लोगों को क्या क्या चीजें दे रखी है, देखो टाइम दे रखा है, टी इक्वल टू कितना दे रखा है, टी बराबर दे रखा है तुम लोगों को 200 सेकंड। ठीक है, करंट कितना दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है यहां पर 0.5 एम्पियर। ठीक है, और यहां पर तुम लोगों को मिलीग्राम में दे रखा है, भैया द्रव्यमान कितना दे रखा है, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू दे रखी है मिलीग्राम में, इसको आप लोग किस में चेंज करोगे, एम इक्वल टू कितना दे रखा है 111.81 और ये किस में है मिलीग्राम में, मिलीग्राम को चेंज कर लो या कितना आ जाएगा 111.81 इंटू 10^-3 ग्राम, इसको ग्राम में मैंने तुम लोगों को बदल के दे दिया। अब तुम लोगों से सिर्फ जड पूछा है, अगर ये भी ना नहीं निकाल पाते तुम तो कुछ नहीं निकाल पाते। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन ही करनी है। सूत्र क्या था, फॉर्मूला था हमारा एम इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, परोसा परोस के दे रहा हूं पूरा का पूरा, सिर्फ खाना है। तो जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है एम बटे आई गुणा में टी। चीज परोस के दे दी सारी की सारी, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, अगर कर पाते हो तो करके बताओ, कर पाते हो तो करके बताओ। मेरे हिसाब से तो आराम से कर पाओगे। और मात्रक जरूर लिखना है भैया, मात्रक, मात्रक के बिना कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की, मात्रक जरूर लिखना है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सोल्व तुम्हें करना है, सारी वैल्यू लिखो, उसके बाद विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, जैसे मात्रक बताया मैंने ग्राम प्रति कूलाम होता है, कितने बच्चे देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट अभी देख रहे हैं करके बताओ। 31.5 बिल्कुल सही बताया पुराने का, अभी नए का बताओ। क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को लिख के दे दिया कि यदि 200 सेकंड समय में, ठीक है टाइम क्या है, सेकंड में दे रखा है, तुम्हें बदलना ही नहीं है, टाइम हमेशा सेकंड में रखना, अगर मिनट भी दे रखी है तो उसको भी आप लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। जैसे ये मिलीग्राम दे रखा है, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके दे दिया तुम्हें, ये ग्राम में कन्वर्ट ही करके दे दिया, 1.1181 है सर जी, बिल्कुल सही है अंकित, भले ही कैलकुलेटर से कराओ बच्चे ने, लेकिन करा है, कोशिश करके देखिए। ठीक है, बाकी के बच्चे भी तो करके देखो यार, सारे आंसर दो। तो m की वैल्यू लिखोगे आप लोग, m की वैल्यू कितनी है, 111.81 इंटू 10^-3 है, बटे i की वैल्यू कितनी दे रखी है, i की वैल्यू दे रखी है 0.5
टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। यहां से पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो और लगा दो, यहां से ये -3 का करोगे आप लोग, या ऐसे कर सकते हो, सॉरी इस पॉइंट को हटाओ ही ना, थोड़ा सा हम वापस चलते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 11, 81, सॉरी 81 है ना, हटा नहीं सकते इसको, रुको, क्या कर सकते हैं, 2 के बाद पॉइंट है तो यहां पे गुणा में 2 0 और लगा दी इसकी मैंने, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये माइनस का 3 है, इसको और नीचे ले आते हैं तो टोटल कितना बच जाएगा, 11 81 बटे 0.5 है, तो इसको एक ऊपर लेके जाते हैं, मान लो कि एक बार रखते हैं 0.5 × 200 के आगे 2 0 गुणा में 10 की घात 3, या यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 और लगा देंगे, इस 0 से 1 0 ये काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 11 181 बटे 205, 1000, तो 5 × 2000 × 10³। इसका कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, अभी कर देते हैं, बड़े हैवी ड्राइवर हैं हम भी कभी कभी में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 11 81 बटे 5 × 10, सीधा ही आ गया, इसके आगे 1 2 3 0 है, फिर आगे भी 1 2 और 3 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो इसके आगे मैं लगा देता हूं तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये आ गया मेरा 1.1181 बटे 4 के बाद है, तो 4 हटा दिया बटे 1000, बटे में क्या लिख दिया मैंने, 1000, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको अपन लिख सकते हैं मिलीग्राम प्रति कूलाम, या इसको लिख सकते हैं 1.1181 मिलीग्राम प्रति कूलाम, मिलीग्राम प्रति कूलाम, ठीक है। अगर ग्राम में निकालना हो तो ग्राम में कैसे निकाल सकते हैं इसको आप, ग्राम में निकालने के लिए 1.1181 × 10³ - 3 ग्राम प्रति कूलाम, ग्राम प्रति कूलाम। भरोसा हुआ मिला है, लेकिन कोई नहीं खा पाया, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, एक बार दोबारा देख लो, कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं इसमें, बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज है ही नहीं, क्लियर है। दोनों नियम करवा दिए मैंने, और एक नियम का तो न्यूमेरिकल भी करवा दिया अगर आता है तो, बताओ समझ आया। चलिए दोबारा देख लेते हैं, क्या दिया है, m इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्त, m इक्वल टू दे रखा है ZIT, ठीक है। m बराबर क्या होता है, ZIT, यहां पे आप लोगों को z निकालना है, m की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, ये m की वैल्यू है, m बराबर 111.81 मिलीग्राम, ठीक है। इसको हमने किस में चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया हम लोगों ने ग्राम में, तो जेड निकालना है, तो जेड बराबर क्या होता है, ये आ गया मेरा जेड, ये जेड जेड, तो जेड बराबर क्या आ गया, m/IT लिखोगे, जब जेड बराबर MIT लिखोगे तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ये वैल्यू है, इसमें सिर्फ भाग ही देना है। एक बार और करवा दो सर, करवा देते हैं एक बार और करवा देते हैं, तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए एक बार और करवा देते हैं, चलिए तो यहां से एक बार मैं इसको रफ ही कर लेता हूं, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है तुम लोगों को, अब क्या है, m बराबर क्या होता है, m बराबर ZIT होता है, और z बराबर क्या होता है, m/IT होता है, समझ रहे हो बात को। अब m की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम लोगों को, तो m की वैल्यू दे रखी है 111.81 × 10³ - 3, और i की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, i की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 0.5 एम्पियर, i की वैल्यू है यहां पे 0.5 एम्पियर, इंटू t की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 200 सेकेंड, ठीक है। t की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 200 सेकेंड। अब क्या करना है, देखो
ये माइनस का 3 ऊपर है, इसको नीचे ले आओ, ये प्लस में आ जाएगा। इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हो आप, 111.81 बटे 0.5 इंटू 200 इंटू 10 की पावर प्लस 3, ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, इसको या तो आप ऊपर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अगर आप ऊपर ही रखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं इसको। अब यहां से दो पॉइंट हटाते हैं आपा, माइनस थ्री है, यहां से आपा क्या करते हैं दो पॉइंट हटाते हैं। अगर मान लो ये पॉइंट मेरे को हटाना हो तो नीचे मैं क्या लगा दूंगा, दो जीरो और लगा दूंगा। तो अब ये चीज क्या बन गई, 111.81 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रख लेते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से आप चेंज करेंगे, बटे 0.5 इंटू 200। अगर मान लो ये 2000 और 20000 हो गया, अगर ये पॉइंट हटाना हो मुझे बीच वाला, ठीक है, अगर मान लो मुझे ये पॉइंट हटाना हो बीच वाला, तो मैं कैसे हटाऊंगा, तो ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगा, 5 कर दूंगा और यहां से एक जीरो और कम कर दूंगा, ये जीरो मैंने काट दी। ठीक है, तब जाके मेरा क्या बनेगा, अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये आता है मेरा 1.1181 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम प्रति गुलाम, ग्राम प्रति गुलाम। ठीक है, अगर आपको ग्राम प्रति गुलाम में दिया हो तो ये चीज कर लेना, अगर मिलीग्राम प्रति गुलाम में दिया हो तो क्या करोगे, 1.1181, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट मिलीग्राम, मिलीग्राम प्रति गुलाम। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, जो काटा छांटी है वो तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें गणित सिखाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिकल पढ़ाऊंगा। गणित तुम्हें 10वीं तक 12वीं तक टीचरों ने बहुत सिखा दिया, अगर उन 10वीं 12वीं तक तुम लोग नहीं सीखे तो आगे भी नहीं सीखोगे। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। कोई भी डाउट है किसी को तो वो बता सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1.1181 है सर जी, बस सिर्फ एक दो बच्चे हैं जो एक्टिव है, बाकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत अपघटन के उपयोग, विद्युत अपघटन के उपयोग पे चर्चा करेंगे कि भैया विद्युत अपघटन का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, इस पे बात करेंगे।